नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू और कश्मीर एवं पंजाब के जलंधर में शिवरात्रि पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। प्रभात फेरी निकाल कर दिया परमात्मा अवतरण का संदेश। चंपारण सेवा केंद्र की मनी रजत जयंती। मधुबन समेत कई शहरों से संस्था के सदस्य हुए समारोह में शामिल। और लंदन के ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में डॉक्टर्स के लिए पब्लिक प्रोग्राम। 70 से भी अधिक जाने माने डॉक्टर्स हुए शामिल। जम्मू और कश्मीर के बीसी रोड स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर शिवरात्रि के निमित्त आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सिंह समेत कई चर्चित लोगों ने शिव ध्वज फहराकर किया। शुभारंभ के पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन ने सभी को शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया और बुराइयों का त्याग करने की प्रतिज्ञा भी कराई। ऐसा ही कार्यक्रम जालंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र पर भी आयोजित हुआ, जिसमें बीके संधिरा ने सभी को कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया और बीके शिखा ने सुंदर सी कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सभी इंटरनेशनल के मैनेजर अशोक वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिन्हें बीके बहनों ने निराकार परमात्मा शिव का परिचय देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके पश्चात परमात्मा अवतरण का संदेश देने के लिए प्रभात फेरी भी निकाली गयी। चंपारण सेवा केंद्र के 25 साल पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह का शुभारंभ मधुबन समेत कई शहरों से आए संस्था के सदस्यों द्वारा दीप जलाकर हुआ। शुभारंभ के पश्चात धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने सभा में मौजूद सभी को संबोधित करते हुए बीके शकुंतला द्वारा की गई ईश्वरी सेवाओं की सराहना की। कोई जगत गुरु पैदा नहीं कर सका, लेकिन हमारी ऐसी शकुंतला बहन जिसने करके दिखाया। इसके पश्चात सभा में उपस्थित अन्य बीके सदस्यों ने भी अपनी शुभ भावना व्यक्त। अब कुछ खबरें एक नजर में। इंटरनेट सेफ्टी डे पर ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम। आपकी सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम विषय पर चर्चा। राज्य साइबर पुलिस के पुष्पेंद्र यादव, वेबसाइट और ग्राफिक डिजाइनर अजय धमानिया, बीके गुरुचरण सिंह और लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श हुए चर्चा में शामिल। साइबर क्राइम का शिकार न होने के लिए दी सावधानियां। बीके गुरुचरण ने साइबर क्राइम से बचने के साथ साथ क्राइम कर्मों से भी बचने की कही बात। बीके आदर्श ने मन को क्राइम मुक्त बनाने के लिए कराया राज्यों का अभ्यास। बेंगलुरु के कम्माना हल्ली में नए बीके पाठशाला का उद्घाटन। कुमारापाक सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, संजय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनी समेत कई अतिथि भी रहे इस शुभ अवसर पर उपस्थित। आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन। अतिथियों ने ईश्वरी सेवाओं के विस्तार के लिए दी अपनी शुभकामनाएं। पंजाब के तपा स्थित दिव्य ज्योति भवन सेवा केंद्र पर वाईएस पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल प्रोग्राम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऊषा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। काउंसलर जसबीर कौर ग्रेवाल ने चार बच्चों को प्रदान किया टाइम ऑफ इंस्पिरेशन पुरस्कार। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद खिलाड़ी गर्व सांगवान के हरियाणा वापस आने पर सम्मान समारोह। जोंजू कला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वसुधा समारोह में रही मुख्य अतिथि। बीके वसुधा ने गर्व सांगवान को शुभ भावनाओं के साथ दी जीत की बधाई। महाराष्ट्र के सांगली में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम। मुख्यालय माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने किया संबोधित। सकारात्मक चिंतन के चमत्कार पर विस्तार से डाला प्रकाश। तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली, आज घर घर में तनाव है। राजयोग मेडिटेशन की दी संक्षिप्त में जानकारी। राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने का दिया सुझाव। महाराष्ट्र के जयसिंहपुर स्थित लक्ष्मीबाई गर्ल्स हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यशाला। बीके भगवान ने जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए नैतिक शिक्षा को बताया जरूरी। वर्तमान के बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ
नैतिक मूल्य सीखना जरूरी है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बीके भगवान ने की बच्चों से नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा लेने की अपील। ऐसे सांगली के वीटा स्थित प्रभु उपहार भवन में तनाव मुक्ति पर पब्लिक प्रोग्राम। तहसीलदार ऋषिकेश शेलके रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। बीके भगवान ने तनाव मुक्त जीवन बनाने के लिए बताई कई युक्तियां। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने भी किया सभी का मार्गदर्शन। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन के ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में डॉक्टर्स के लिए पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। दो साल तक चले कोविड काल के बाद यह ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में पहला पब्लिक प्रोग्राम रहा, जिसमें पूरे उत्तर पश्चिम लंदन से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े 70 से भी अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें जाने माने हार्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश पंजाबी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इन सभी चर्चित लोगों का सीनियर राजयोगा टीचर बीके जैमिनी ने वेलकम किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोविड महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के लिए एक मिनट मौन रखकर हुआ। उसके पश्चात डॉक्टर प्रकाश पंजाबी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला। हम मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन आप लोगों के मानसिक परेशानियों का बखूबी इलाज करते हैं। आगे उन्होंने सीनियर सिस्टर सुदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हार्ट सर्जरी के दूसरे दिन ही बीके सुदेश का स्वास्थ्य काफी अच्छा था और उन्होंने मेरे से मेरा हालचाल लिया। उनका मेरे से ऐसा व्यवहार ही आध्यात्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। When you get an opportunity and a privilege to serve Brahma Kumaris, it has to be that you are gifted. You have been super selected to be invited to be serve the people. All we do is medical management of physical ailments. Take out something as surgeons. The only reason I became a surgeon was medicines. Well, with due apologies to all the physicians, with surgeon, I can take something out by evening, it's done. Next day, patient is rid of it. But there's a far bigger sickness, which is the social, the mental, the physical, beyond that Brahma Kumaris serve. They do a far bigger role that any of us can even imagine or be able to do. आपको बता दें, डॉक्टर प्रकाश पंजाबी ने ही सिस्टर सुदेश की हार्ट सर्जरी की है और उनके स्वास्थ्य की देखरेख डॉक्टर प्रकाश ही कर रहे हैं। The power, Sudesh Didi, in the second day in intensive care was distributing belief cards to all the nursing staff, the junior doctors and everybody. And they were saying, we need to look after her. She seems to be looking after us. And I said, that's the power of spirituality. कार्यक्रम में आगे नॉर्थ वीक पार्क हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर संगीता पंजाबी और बीके डॉक्टर सारा एगर ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी वर्किंग अनुभवों को साझा किया। तो वहीं ऑर्गेनाइजेशन की एडिशनल हेड बीके जयंती और यूरोपियन डायरेक्टर बीके सुदेश ने सभी को स्पिरिचुअल गाइडेंस और राजयोग मेडिटेशन की डिटेल में जानकारी देते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। I actually came across the Brahma Kumaris in Australia when I was a medical student in 1977, which seems like a long time ago now. But of course, everything I was learning for myself about meditation, I thought there's some really, really helpful tools here that all healthcare professionals could use to help them in their resilience, in how to survive and thrive in what is becoming more and more and extremely. My first session for Raja Yoga meditation was here in the Global House, and I came out of that session feeling that there was something deeper down within me that I haven't explored, and that was quite transformational. So most of you, if you haven't done the Raja Yoga meditation, it's just an hour each time, but it took me through that 7 days of that journey. You can do it at your own time. And I found that it's not about giving up what you are doing. It's about a way of living, and it's about a way and the art of thinking. And that art of thinking comes with practice. Light never fights with the darkness. Light exists, darkness goes away. And meditation is the power which helps. Like the fear goes away, tension goes away,
worries, all this possessiveness that we are prison in the negative traits makes us free, inner light. So meditation means not only just keeping the mind clean or peaceful, meditation means intellect divine. Peace is natural. Peace is who I am. Peace is my original state of being. कार्यक्रम के अंत में प्रश्न उत्तर सत्र का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका बीके जयंती और बीके सुदेश ने जवाब दिया। New year, new start. Wish all your dream come true in 2022 and wish forward peace. 新年快乐, Om Shanti. 1 फरवरी को चीन का नववर्ष होता है, जिसका जश्न 15 दिन तक पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। इसी के चलते ब्रह्मा कुमारी चीन ने भी चीनी न्यू ईयर को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से सेलिब्रेट किया। चाइनीज न्यू ईयर इज द बिगेस्ट हॉलिडे सेलिब्रेटेड अमंग चाइनीज पीपल। दिस ईयर इज टाइगर ईयर। I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की जॉइंट हेड और एशिया पैसिफिक रीजन की डायरेक्टर बीके डॉक्टर निर्मला के वेलकम मैसेज से हुई। So I wish everybody prosperity and happy new year. इसके पश्चात मेडिटेशन द्वारा आंतरिक शक्तियों का जागरण और दैवी गुणों की धारणा विषय पर बीके सपना ने इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने टॉपिक पर चर्चा की और कई लोगों ने अपनी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी दी। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।